हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है बच्चों लोग, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है, जो बीकॉम या बैफ को आया है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से दो मॉड्यूल दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, ठीक है। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट और एनईटी, सेकेंड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरा मैथ्स है, ये पूरा स्टैट्स है, ठीक है। अभी एक बात ये बोलने का है, मैंने सबके पर ना इसके ऊपर 20 वीडियो बना दिए और इसके ऊपर 20 वीडियो बना दिए, अलग अलग टाइप के सब सॉल्व कर दिया। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये नंबर पे मैसेज कर दो, मैं तुमको सब सॉल्यूशन सेंड कर दूँ, राइट। तो आप प्यार से गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, ठीक है। सुनो, तो इंटरेस्ट एनईटी में सिंपल इंटरेस्ट सीखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले सीखे बच्चों में, थोड़ा कैलसी यूज़ कर सकते हैं, हाई फाई रहेगा। एनईटी न्यू टॉपिक है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहेगा। ईएमए रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एक फ्लैट है, मतलब ये टॉपिक तुमको कवर करना है, जिसका अलग अलग टॉपिक का सम अपलोड कर दिया और भी सिखा दूंगा। फिर मीन मीडियन मोड 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़े ना, वो टॉपिक है, तो उसमें कंबाइंड मीन में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। फिर तुमको क्वार्टाइल सीखने का, क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3 फिर डिसाइल परसेंटाइल, ये क्वेश्चन बन के आएगा, हो सकता है हिस्टोग्राम भी आ जाएगा। फिर क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये भी इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर एक टॉपिक है स्टैंडर्ड डिवीजन, उसका कोएफिशिएंट, मतलब इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। तो कैसे है ना, मैथ्स का आप लोग एक एक सम भी सॉल्व कर लेंगे ना, मैंने कैसे सात सात आठ आठ मिनट में एक एक सम सॉल्व किया, तो तुम्हारा एक एक सम में बोलेगा ना तो 15 दिन में अच्छा खासा तुम्हारा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो केटी, मतलब क्योंकि कॉलेज वाले मैथ्स में ज़्यादा केटी लगाते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।